सेकेंड एक्सपेरिमेंट्स में आपका जो स्टडी है वो मेयर में डाटा और स्टैटिस्टिक्स के बारे में है कि आपने जो डाटा मेयर किया उस पर डिफरेंट जो स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है इसके टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल डाटा वैल्यूज देयर एरर्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. ठीक है, कि उसमें एरर्स किस टाइप्स की होती हैं और उसका आपने एनालिसिस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किस तरह से करना है आपने. ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके ही करेंगे. ठीक है, और उससे पहले सबसे पहले कि आपने जो एनालिसिस करना है उसकी डाटा रिक्वायर्ड है आपको, तो डाटा कलेक्शन करेंगे पहले, फिर उसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है, उनकी जो एरर्स है वो फाइंड करेंगे और फिर उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे. ठीक है, तो डाटा सेलेक्ट करने के लिए डाटा सेट आपने क्या करना है कि आपने 5 सेट्स लेने हैं, यानी कि 5 सैंपल देने रजिस्टर्स के, जिसमें एक सैंपल के अंदर आपके 2 रजिस्टर्स होंगे डिफरेंट वैल्यूज के. टोटल आपने 10 रजिस्टर्स लेने हैं. ठीक है, तो ये आपका सर्कल डायग्राम है. जब आप 5 सेट्स लेंगे जिसके अंदर 2-2 सैंपल्स आपके पास, तो उसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं आपके पास, सी आप बताना चाहेंगे. अंश जी मैम, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा. आपके पास 5 सैंपल्स हैं और हर सैंपल के अंदर 2 सेट्स मतलब 2 वैल्यूज हैं, तो इसके जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे. 25 मैम. हाँ जी, ठीक है. वो डीएलडी आपने पढ़ा है कि आपके पास 5 × 5 = 25 होता है, तो 25 कॉम्बिनेशन आपके पास बन सकते हैं इसके. हमने यहाँ पे यही काम करना है, सिंपल सा सर्किट है इसका जिसमें 2 रेजिस्टर्स है और बैटरीज है. तो इनपुट डाटा में आपको क्या रिक्वायर्ड है, 5 पेयर्स है आपके पास. ठीक है, और हर पेयर के अंदर 2 रेजिस्टर्स है. यहाँ आपने उनकी नॉमिनल वैल्यूज लिखनी है R1 और R2 की. इनपुट वोल्टेज की नॉमिनल वैल्यू भी है और मेजर्ड भी है. मेजर्ड तो आपको एज इट इज आ जाएगी 5 वोल्ट. अब आपके पास यहाँ हार्डवेयर रिक्वायर्ड नहीं है. अगर हार्डवेयर रिक्वायर होता तो फिर आपकी मेजर्ड वैल्यूज जो होती है वो नॉमिनल से ऑब्वियसली डिफरेंट आ रही होती है. लेकिन अब सिमुलेशन के केस में आपके पास ऑब्वियसली सेम ही होंगी, नॉमिनल वैल्यू भी और मेजर्ड वैल्यू भी. ठीक है, तो वो आपने यहाँ पुट कर लेनी है. उसके बाद रजिस्टर्स की वैल्यूज आप लिख लेंगे जो भी आपने 5 सैंपल्स देने हैं, और हर पेयर के अंदर आपके पास 2 रजिस्टर्स हैं R1 और R2. जैसे पेयर ए में R1 R2 डिफरेंट वैल्यूज होंगी, देन पेयर बी में भी R1 और R2 की डिफरेंट वैल्यूज होंगी. हम इनको नाम किस तरह से दे लेंगे जो हमने इनको यूज करना है, R1A R2A देन R1B और R2B. इस तरह से आपके पास ये 10 रजिस्टर्स हो जाएंगे. ये तो हो गया आपके पास इनपुट डाटा. नेक्स्ट है आउटपुट डाटा आपके पास, जहां पे आपने डाटा कलेक्ट करना है उसके ऊपर एनालिसिस करने के लिए. उसमें आप क्या करेंगे, आउटपुट वी आउट क्रिएट करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे जैसे आपने पहले लास्ट टाइम लिखी थी. सिंपल सर्किट है, इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं. ठीक है, वी आउट नॉमिनल की क्वेश्चन लिखेंगे आप. इसके बाद आपने जो कैलकुलेटिव ये रजिस्टर अटैच करने हैं, आपने आपने रजिस्टर इस तरह से पेयर्स बनाने हैं. पेयर्स इधर बने हुए हैं R1A R2A, फिर R1A फिक्स रख लिया और उसके साथ बाकी दूसरा पेयर चेंज करते गए, R2B R2C R2D देन R2E. ठीक है, ये 5 सैंपल्स हो जाएगा आपके पास. इनकी आपने वी आउट कैलकुलेट करनी है. वी आउट हम लोग ले रहे हैं R2 के क्रॉस. ठीक है, वी आउट हम ले रहे हैं R2 के क्रॉस ले रहे हैं. तो इस तरह से आपने डिफरेंट रेजिस्टेंस अटैच करके वी आउट नोट कर लेनी है.
और कैलकुलेटेड भी और मेजर्ड भी। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास 25 वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि आपके पास 25 वैल्यूज का एक डेटा सेट अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आपने उसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करने हैं एनालिसिस डेटा, ठीक है, कि वी आउट मीन क्या होता है। या सबको पता है कि वी आउट मीन क्या होता है, जितने आपके पास डेटा है उन सबको ऐड करना और नंबर ऑफ डेटा पे उसको डिवाइड कर देंगे। अब 25 वैल्यूज है हमारे पास, सबको ऐड करेंगे उसको 25 पे डिवाइड कर देंगे तो वी आउट मीन आ जाएगा आपके पास। उसका डेविएशन एवरेज है, डेविएशन स्टैंडर्ड है और डेविएशन प्रोबेबल एरर है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला अवेलेबल कर देती हूँ। आप लोगों का एक डाटा बेस का मतलब है आप कितनी कैलोरीयां बर्न करते हो, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला अवेलेबल है, शो हो रहे सबको? यस मैम। ठीक है, ये आप लोग क्लास में पढ़ लिए होंगे या पढ़ने वाले होंगे, पढ़ लिए होंगे आप लोगों ने क्लास में? यस मैम पढ़ लिए। अच्छा, वेरी गुड, पढ़ लिए तो ठीक है, फिर तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आपको मीन है, मीन का फॉर्मूला है, ये अभी नहीं जा रहा, ठीक है। देन आपके पास डेविएशन फ्रॉम मीन है, डेविएशन एवरेज निकालने के लिए पहले आपको डेविएशन मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या आपके पास जो भी मीन आया यहाँ पे उसको आपने माइनस करना है हर वैल्यू में से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्स वन का डेविएशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो एक्स वन में से अरिथमेटिक मीन को माइनस करेंगे तो आपके पास वो डेविएट आ जाएगा कि वो अरिथमेटिक मीन से कितना डेविएट कर रहा है। इस तरह से डी वन डी टू डी 25 तक कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास। इन बीज को यूज करके समेशन, इनका समेशन लेंगे और फिर इसको टोटल नंबर ऑफ नंबर पे डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज डेविएशन आ जाएगा। ये एवरेज डेविएशन आपको रिक्वायर्ड है वहां मैनुअल में। सबको क्लियर हो रहा है? बहुत आसान चीज है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका फॉर्मूला भी आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है क्लास में पढ़ लिया है आपने, क्या आपने डी आई जो फाइंड किया है पहले, डेविएशन मीन जो फाइंड किया है उसी को यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले उसका स्क्वायर लेंगे और फिर उसका समेशन लेंगे, ठीक है। स्क्वायर लेके समेशन लेके फिर उसको एंड पे डिवाइड करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे। आपके पास एरर का फॉर्मूला है, प्रोबेबल एरर है, ठीक है। इसके अलावा कौन से फॉर्मूला यूज होने हैं आपके पास? यही फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, डेविएशन मीन है, डेविएशन एवरेज है, डेविएशन स्टैंडर्ड और उसको डेविएशन प्रोबेबल एरर है। ठीक है, आज के लैब में आपने इतना ही परफॉर्म करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 25 मैम, एक बार रिपीट कर दें 25 जो हमने रेजिस्टेंस वो जो कॉम्बिनेशन बने वो उनका बता दें कैसे बने, उनका बता दें। ठीक है, हाँ, सिंपल सी बात है कि हमने 5 सैंपल्स लिए हैं, ठीक है, रेजिस्टर पेयर, इनके 5 पेयर्स लिए रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस पेयर ए बी सी और डी और ई है, ठीक है। अब हर पेयर के अंदर बस 2 रेजिस्टर्स हैं, पेयर ए के अंदर R1 और R2 है जिनको हम नाम दे रहे हैं R1A और R2A। इसी तरह पेयर बी के लिए
R1 B है और R2 B है। मैम पेयर में जो से दो रेजिस्टेंस लेंगे उनकी वैल्यू सेम होगी? नहीं, डिफरेंट होंगी। मैम जो ऊपर सर्किट बना हुआ है ये मैनुअल के अंदर जी, हम इस तरह के हम 5 कॉम्बिनेशन लेंगे इस तरह के सर्किट। इसी सर्किट में आपने चेंज कर देना जो आपको भी पैरामीटर ये कमीशन बताएंगे या नीचे ये वाले R1 है R2A जी, यही रेजिस्टेंस आपने यहां पे अटैच करनी है R1 है R2A, उसके बाद R1A के साथ R2B R2C R2D R2E इस तरह आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे ना। ओके, मतलब मैम इन सब की स्नैप्स लेके तो फिर वो भी अटैच करनी है, एक ही काफी होगी कि मतलब सिर्फ कॉम्बिनेशंस की ले ले 5? नहीं नहीं, सब सारी ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक ही इनफ है। ठीक है, सिर्फ वो बेसिक 5 ले लेंगे, बेसिक 5 ले लें आप, एक ही काफी 5 ले लें क्योंकि अब मेरा डाटा एंटर कर लिया है टेबल में। अजीज रहमान अपना माइक ऑन करो। मैम ये बताइएगा वी आउट R1A और R2A ये किस तरह आप कह रही हैं? वी आउट आपके पास R2 के क्रॉस है हमने ये देखिए, जो भी आप चेंज करेंगे पैरामीटर रेजिस्टेंस फिर चेंज करते जाएंगे, आउटपुट आपने R2 के क्रॉस ही देनी है। देखिए जो सेकंड रेजिस्टर आप अटैच करें उसके क्रॉस ही देनी है। मैम जो V इनका फार्मूला होगा वो V is equal to IR होगा? V is equal to IR, V is equal to IR तो आपका एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आएगा ना जी। जब आपने V out find करना है तो आप V in में से VR1 माइनस करेंगे, V in अब R2 के क्रॉस दे रहे हैं ना आउटपुट वोल्टेज, तो आप V in माइनस IR1 कर लेंगे। ओके मैम, वोल्टेज डिवाइडर नहीं लगा सकते क्या? चीज वोल्टेज डिवाइडर, हां वो लगा ले वो भी ठीक है, तो सीरीज में दो रेजिस्टेंस ही अटैच हुई हैं आपके पास, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल तो हो जाएगा। मैम इस पे अप्लाई इस सिंपल सर्किट है, आपके पास दो रेजिस्टेंस सीरीज में अटैच की हुई हैं। ओके, फाइल भी शेयर कर दें क्लासरूम। हां जी, मैं अभी ये मीटिंग एंड होती है तो फाइल शेयर कर देती हूं आपको। मैम इसका जो सबमिशन टाइम है ना वो थोड़ा इंक्रीज कर दीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिएगा। अभी आपके पास आई थिंक 953 हुए हैं तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हैं आपके पास, मेरे नहीं चाहते 2.5 घंटे कम है इसके लिए। मैम कई इलाकों में लाइट का भी इशू है, मैम लाइट नहीं है। कहां पे लाइट नहीं है? मैं नहीं बना सकता जुमरा फैसला भाग मैम नहीं। अच्छा तो 1 घंटा ज्यादा कर देते हैं फिर। मैम वो शाम को 6 बजे मैम टिल 11:59 तक नहीं हो सकता? 11:59 तो आपको ऑलरेडी ये मैंने 1 घंटा कहा था, आप हाफ आवर कह रहे थे, मैं हाफ आवर कर देती हूँ। मैम वो रात के 12 बजे तक कह रहे हैं, पूरा दिन में। यस मैम, ये आपके डिपार्टमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि आप लोगों ने